हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बीएड फोर्थ एडिशनल राउंड आ चुका है। जी हां मित्रों, बीएड फोर्थ एडिशनल राउंड आ चुका है एडमिशन में। अगर आप बीपीएड में, बीएड में, बीएलएड में या बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में या बीएससी बीएड, बीए बीएड इन सभी कोर्स में किसी भी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट और सुनहरा मौका है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है उसका एडमिशन प्रोसेस का लास्ट राउंड, फोर्थ एडिशनल राउंड जो है ये चल रहा है। ये कब आया था तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 31 तारीख 8वां महीना 2023 को ये नोटिफिकेशन यानी कि ये सर्कुलर आया था। आज है 1 तारीख 9वां महीना 2023। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल डिस्कशन के साथ इम्पॉर्टेंट डेट एवं सारे प्रोसेस बताता हूँ कैसे होगा आपका एडमिशन। देखिए, सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो आवेदन स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी कि 1 तारीख 9वां महीना 2023 से ये 4 तारीख 9वां महीना 2023 तक चलेगा। उसके बाद निर्धारित हेल्प सेंटर पे दस्तावेज का ऑनलाइन सत्यापन जो है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में होगा। त्रुटिपूर्ण या अपठनीय दस्तावेज जो भी कैंडिडेट अपलोड किए होंगे उसका जो है सेंटर पे, किसी हेल्प सेंटर पे उपस्थित होकर के 1 तारीख 9वां महीना 2023 से लेकर के 6 तारीख 9वां महीना 2023 तक किसी भी हेल्प सेंटर पे उपस्थित होकर के अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। देन बीपीएड वाले का ये डेट है, वो बीपीएड वाले का हेल्प सेंटर पे जो फिटनेस टेस्ट होता है, फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो होगा 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में। हेल्प सेंटर पे फिटनेस टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट अंकों की प्रविष्टि जो होगा वो 6 तारीख को होगा। देन समेकित मेरिट सूची का जो प्रकाशन होगा वो 8 तारीख को यानी कि 8 सेप्टेम्बर को होगा। देन उसके बाद मेरिट के अनुसार सीट की जो आवंटन होगा यानी कि आपकी जो अलॉटमेंट लेटर आएंगे वो आएंगे 12 तारीख 9वां महीना 2023 यानी कि 12 सितंबर को। देन आपको एडमिशन प्राप्त करने का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, मात्र 3 दिन। इस 3 दिन के अंतर्गत आपको कॉलेज का 50% शुल्क, जितना भी आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा रहेगा वो आपको पेमेंट करके कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म करना है। उसके बाद टीसी माइग्रेशन जमा करने का डेट होता है, वो आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर में जमा कर सकते हैं निर्धारित डेट के अंदर। तो आई होप कि ये सारे इम्पोर्टेंट डेट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी समझने नहीं आया होगा, या अभी तक आपने खुद से ट्राई किए थे या किसी भी अदर काउंसलर के थ्रू ट्राई किए थे, आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप इमिडिएटली मुझे कॉन्टैक्ट करें, फ़ौरन मुझे कॉन्टैक्ट करें, 110% आपका एडमिशन करा के दूंगा अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है तो। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज ठीक है या 50 से अबव है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कृपया मुझे संपर्क करें, मेरा जो भी काउंसलिंग सर्विस चार्ज है वो मैं लेता हूं और आप सभी का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके देता हूं, 110% एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, तो आप मुझे फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, या कोई बुक लेना हो, PDF लेना हो, नोट्स लेना हो, शॉर्ट नोट्स लेना हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेना हो, पूरे बीएड कोर्स में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के डिग्री प्राप्त करने तक कंप्लीट हेल्प, सपोर्ट एंड गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी भाई बंधु को कोई भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें यहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, उसका कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज होता है या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। तो अगर आप पे करने के लिए एलिजिबल है, पे करना करने की इच्छुक है या पे कर सकते हैं तभी आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, वरना आप फालतू में कॉन्टैक्ट ना करें। अगर आपको कोई छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या जिवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो जिवाजी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ना कि मेरा मुझे। अगर मुझसे कोई ऑनलाइन क्लास लेना हो या आपको बुक्स लेना हो, स्टडी मटेरियल लेना हो या एडमिशन लेना हो तभी आप मुझे संपर्क करें। ठीक है, तो आई होप कि ये एडमिशन वाला जो इम्पोर्टेंट डेट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है। सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 1 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक इम्पोर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, वेरिफिकेशन,
आप तभी कर पाओगे जब आप 1 से लेकर के 4 तारीख के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन और संस्थानों का चयन कर लिए होंगे या किसी के द्वारा करवा लिए होंगे। यानी कि पंजीयन और कॉलेज का चयन आप करना होगा आपको 1 से 4 के बीच में, देन आपको आगे का फर्दर प्रोसेस होगा। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे मस्त रहे और अपने अपने आस पड़ोस का अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।